छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। 6:10 बजने वाले हैं और सबसे पहले बात 6 बजे की 6 बड़ी खबरों की। पुणे हिट एंड रन मामले में रसूख के आगे क्या सिस्टम फेल है, ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं, बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी राजकोट हादसे की भी। गुजरात हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है, कोर्ट ने क्या कहा है देखिएगा आगे। तो वहीं बात एक फरमान की भी होगी जिसे लेकर ग्वालियर के टीचर नाराज है। इसके अलावा खबरों में बात करेंगे जबलपुर की, यहां प्रशासन ने प्राइवेट स्कूल्स पर की है बड़ी कार्रवाई, पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही खबरों में एक स्विमिंग पूल की भी चर्चा है जिसमें एक मासूम की मौत हो गई। इसके अलावा हैरान कर देने वाली और सावधान कर देने वाली एक खबर भी आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात खरगोन की। सबसे पहले रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर, खरगोन से आपको बता रहे हैं जहां अवैध हथियारों का जखीरा मिला है। खरगोन पुलिस की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है, 25 अवैध कट्टे और पिस्टल मिले हैं, बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया है, करीब 4.5 लाख का हथियार मिला है यहां से। सिकलीगर के साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर उन हथियारों की जो यहां से मिले हैं। ये जखीरा आपको पुलिस अधिकारियों के सामने दिखाई दे रहा है, 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। खरगोन पुलिस की सक्रियता के बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां हथियारों के जखीरे को पुलिस ने बरामद किया है। 25 अवैध कट्टे मिले हैं, पिस्टल मिला है, इसके अलावा बड़ी मात्रा में हथियार बनाने वाला सामान भी जब्त किया गया है, करीब 4.5 लाख का ये जखीरा, इसकी कीमत बताई जा रही है करीब 4.5 लाख रुपए, और 2 आरोपी पकड़े गए हैं। अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर खरगोन पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। हमारे साथ खुद पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना मौजूद है। 25 अवैध पिस्टल एक बार फिर जब्त किए, सर किस प्रकार कार्रवाई? आज पुनः खरगोन पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की है, और यदि देखा जाए तो आचार संहिता के तहत ये 5वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें फैक्ट्री स्तर के एक निर्माण करने वाली जो स्थान है उस पर रेड करके और हमारी टीम ने भारी मात्रा में अवैध हथियार पकड़े हैं। यदि देखा जाए तो आज कुल 25 अवैध कंट्री मेड फायर आर्म्स हमारी टीम ने पकड़े हैं, और साथ ही साथ उनको निर्माण करने वाली सामग्री भी पकड़ी है। यदि इनका बाज़ार मूल्य देखा जाए तो करीब 4.5 से 5 लाख रुपए के आसपास है, और मौके से 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है, तस्करी कराने में मदद करते हैं। उनके विरुद्ध खरगोन पुलिस लगातार सक्रियता से कार्रवाई करती रही है, और आचार संहिता के दौरान ही देखा जाए तो विगत 2 माह में 176 अवैध हथियार हम लोगों ने बरामद किए, और साथ ही साथ बीच में जो आरोपी इसमें फरार थे उन लोगों को भी हमारी टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की। आने वाले समय में भी अवैध हथियार निर्माण करने वाले और विक्रय करने वाले ऐसे आपराधिक तत्वों पर खरगोन पुलिस कार्रवाई करते रहेगी। ये थे SP धर्मराज मीना, जिनका सीधा कहना है कि खरगोन पुलिस के द्वारा लगातार अवैध हथियार को धरपकड़ को लेकर कार्रवाई की जा रही। पिछले 2 महीने में जो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता चल रही उसके दौरान करीब 176 अवैध हथियार जब्त किए गए। आशुतोष पुरोहित, News 18 खरगोन। अगली खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां कस्टम मिलिंग घोटाले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 10 जून तक ED के रिमांड में रहेगा आरोपी रोशन चंद्राकर। कोर्ट ने आरोपी रोशन को रिमांड पर भेजा है 10 जून तक। जिला कोर्ट में रोशन चंद्राकर की पेशी हुई थी, और उसके बाद कोर्ट ने 10 जून तक ED के रिमांड पर आरोपी रोशन चंद्राकर को भेज दिया है। युगल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। युगल, 10 दिन की रिमांड मिल गई है आरोपी रोशन की? जी बिल्कुल अपर्णा, PML कोर्ट का जो है वो अवकाश पर थे, तो DJ कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया है, और दोनों पक्षों की बहस हुई, उसके बाद उभय पक्षों को सुनते हुए DJ कोर्ट ने 10 जून तक ED की कस्टडियल रिमांड पर ED को सौंप दिया है। ये कस्टम मिलिंग का एक बड़ा घोटाला का मामला है। आरोपी रोशन चंद्राकर को DJ कोर्ट के इस फैसले के बाद रिमांड पर सौंप दिया है, तो अब आगे की पूछताछ है वो ED कर सकेगी, क्योंकि इसमें और भी जो अहम जो खुलासे हैं वो हो सकेंगे आरोपियों की। हो सकता है आने वाले समय में पर्याप्त अगर सबूत मिलते हैं तो आरोपियों की गिरफ्तारी है वो भी बढ़ जाएगी। किस तरह से
इसमें पूरा खेल खेला जाता था भ्रष्टाचार के, उसके भी परत है वो खुलासे हो सकेंगे। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है 10 जून तक ईडी की कस्टोडियल रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। ये पढ़ना। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पुणे एक्सीडेंट केस में एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जानकारी